अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं कुवैत में जहाँ पे सिलाई होती है, और यहाँ पे क्या क्या सिला जाता है और कितनी सैलरी है, क्या सिस्टम है, मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो ये मास्टर साहब सिल रहे हैं, तो ये सामने अबाया प्रेस कर रहे हैं, तो इनसे मिलते हैं और यहाँ पे क्या क्या सिलाई होता है पूछते हैं। मास्टर साहब, ये क्या सिलाई कर रहे हैं? ये तो हम बना रहे अभी, अबाया बना रहे, अबाया, इसको अबाया बोलते हैं। अबाया। और यहाँ पे क्या क्या सिलाई होती है? यहाँ पे औरत औरत क्या क्या पहनते हैं सब बहुत है, पूरा लेडीज सिलाई होता है, लेडीज का अबाया। ये तो अलग है, कहीं पे लेडीज और कहीं पे जेंट्स, अलग अलग होता है ना। आप पूरा ये लेडीज का सिलाई करते हैं? जी हाँ, लेडीज, ओनली लेडीज। तो मास्टर साहब, आप कहाँ से हैं थोड़ा ये बताइए। इंडिया से हूँ। इंडिया कहाँ? इंडिया केरला। तो आप केरला से हैं? यस। तो हमारे बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा कुवैत के बारे में सिलाई जो होती है उसकी वीडियो बनाइए। तो आपको यहाँ कितने घंटा ड्यूटी होती है? ड्यूटी का मतलब ऐसे पूछेगा तो सब 10-11 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, 10-11 घंटा। देखो, जो काम है तो ड्यूटी है, काम नहीं है तो ऐसे फ्री है। काम है तो 10-12 घंटे भी ड्यूटी हो जाती है, तो रहते रहते। तो मेरी 10 घंटा का ड्यूटी है, अगर बाहर जाकर काम करेगा तो भी 10 घंटा टू ड्यूटी जाना पड़ता है, 10 घंटे ड्यूटी है। खाना पीना घर से मिलता है कि आप बनाते हैं? ये तो वो एक आदमी का ऊपर है, जो जो घर में काम करना वाला है तो उसको घर का काम भी मिलेगा, नहीं बाहर काम करेगा तो अपना खाना का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ये सब। तो ये मास्टर साहब बोल रहे हैं कि घर में काम कर रहे हो तो खाना घर में मिलेगा, अगर बाहर से कोई है जो 18 नंबर बीजा पे सिलाई करता है तो उसको खाना और रूम सब अपना रहेगा। और सैलरी जो है तो सैलरी कोई फिक्स नहीं है, जो बाहर कमाते हैं वो महीने के 400-500 दिनार भी कमा लेते हैं, क्योंकि 10 घंटे काम करते हैं, उसके बाद जाके दुकान पे भी ओवर टाइम करते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप घर में आ रहे हैं सिलाई में तो कोई फिक्स नहीं है, 120 दिनार से सैलरी है और 200 दिनार तक सैलरी है, घर में खाना और रूम आपको मिलेगा। अगर आप बाहर आ रहे हैं आज़ाद वीज़ा में तो वहाँ पर 200 दिनार से 300 दिनार तक आप कमा सकते हैं, उसमें आपका खर्चा है, वीज़ा आपका रहेगा, रूम किराया आप देंगे, खाना भी आपका रहेगा, आने जाने का टैक्सी भाड़ा भी आप देंगे, ऐसा भी होता है। तो किसी का कोई फिक्स नहीं है कि हम इतना कमाएंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छा सिलाई का काम अच्छा भी है, पैसे हैं, ड्राइवर से ज़्यादा पैसे हैं सिलाई में, मैं ये कहूँगा आपसे। सिलाई ये मशीन पे सिलाई होता है, दोस्तों चलते हुए बात करते हैं, क्योंकि मास्टर साहब ने मना कर दिया था वीडियो बनाने से, मैं नहीं माना, काफ़ी कोशिश किया तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए वीडियो में आए और उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ डिटेल से, आप बाद में बता देना, क्योंकि जो डिजाइन है कपड़े की या अबाये की कढ़ाई या डिजाइन वो दूसरे के पास ना जाए, तो इसलिए दुकान के अंदर की वीडियो बनाने से मना कर दिया था। तो थोड़ी बहुत बातें वीडियो में हुई हैं सामने, और बातें उन्होंने मुझे बाद में बताई कि बाद में आप बता देना। और भी उसमें आदमी थे जो आज़ाद वीज़ा पे काम करते थे, सिलाई के आज़ाद वीज़ा पे आए हैं, तो उनसे मैंने पूछा कितना खर्चा हुआ आने में, तो बता रहे थे 800 दिनार खर्चा हुआ यहाँ आने का 2 साल के लिए। और जब वो आए थे नए तो उनकी सैलरी थी 150 दिनार, फिर 2-3 महीने बाद वो जब काम जान गए, फिर वो दूसरे जगह गए, वहाँ पे उनको मिला 200 दिनार, फिर इसी तरह करते करते अभी उनकी सैलरी है 350 दिनार, और ख़र्चा उनका है टोटल, जैसे रूम का हुआ, खाने का हुआ, उसमें उनका एक कामा भी है
जो 2 साल के लिए करीब करीब 500 दिनार से लेकर 800 दिनार तक खर्चा आ जाता है इकामे का। तो उनकी सैलरी यहाँ पे कहीं पे 350, 300, 350 तक काम कर लेते हैं। ड्यूटी रहती है 8 से 10 घंटे ड्यूटी रहती है। इसके बाद में जाते हैं तो अलग भी काम कर लेते हैं दुकान पे, घंटे के हिसाब से या अबाये के हिसाब से। और कोर्स के बीजा अभी सिलाई का भी बीजा ओपन है, कोर्स का सभी बीजा ओपन है, सिलाई का, ड्राइवर का, खाना बनाने वाले का, खदामा का, सारे ही बीजा ओपन है। और दूसरी बात, आप आज़ाद बीजा पे आ रहे हैं तो आपकी दुकान भी खोल सकते हैं, कपड़े की दुकान। यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली खुद की दुकानें खोली हुई हैं। तो अभी महंगाई बहुत है, आप सोचिए 800 दिनार खर्चा है इकामे का, प्लस रूम का खर्चा, जिस रूम में वो रहेंगे उसका भी खर्चा, खाने पीने का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, मशीनों का खर्चा। कोरोना के वजह से बहुत ही बुरा हाल था। अभी टेलर के ही नहीं, जितने भी आज़ाद बीजा पे थे बाहर काम करने वाले, सभी का बुरा हाल था, क्योंकि उस समय कोर्ट बंद था। कोर्ट क्या देखा जाए तो पूरी दुनिया ही बंद थी, प्लेन बंद थी, ट्रेन बंद थी। तो उस टाइम जो आदमी बाहर काम करता था उसका बहुत ही बुरा हाल था। जो घर खाते में था, वो ड्राइवर हो या सिलाई करने वाला हो, कोई भी काम जो घर में है उसकी सैलरी चालू थे बराबर। जो घर में काम करता था उसके पैसे बराबर मिलते थे हर महीने के, लेकिन जो बाहर काम करता था, काम तो था ही नहीं, खाने से भी मुताज हो जाते थे। तो ये है उनकी लाइफ। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा काम चल रहा है। आप पहली बार जा रहे हैं सिलाई के काम में, घर खाते में, तो उनकी सैलरी करीब 120 दिनार से लेकर 150 दिनार तक सैलरी है। आप आज़ाद बीजा पे जा रहे हैं तो 150 दिनार से लेकर 250 दिनार तक आपको मिल जाएगा नए पे।